आज हम पी यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को हम डेफिनेशन इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल ऑफ़ पी इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ पी जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ पी प्रोसीजर रिएक्शन साइकिल फिर डायनेमिक्स ऑफ पी इसको हम प्रोसीजर रिएक्शन साइकिल में इंक्लूड करेंगे इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पी और वेरियंट्स ऑफ पी में डिवाइड किया है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं पीसीआर एक लैब में होने वाला मेथड है यानी इनविट्रो मेथड है जिसके द्वारा जो डीएनए है डीएनए सीक्वेंसेस के हेट्रोजीनियस कलेक्शन में से ये हेट्रोजीनियस कलेक्शन टोटल जीनोमिक डीएनए हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स सीडीएनए की पॉपुलेशन हो सकती है तो इस हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डीएनए एन में किसी एक स्पेसिफिक टारगेट डीएनए सीक्वेंस को एम्प्लीफाई किया जा सकता है इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक टारगेट डीएनए सीक्वेंस तो एक इनविट्रो मेथड है दैट इज डिज़ाइन टू परमिट सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन ऑफ अ सेलेक्ट स्पेसिफिक टारगेट डीएनए सीक्वेंस विद इन अ हैट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डी एन इंट्रोडक्शन में जो पीसीआर का प्रोसेस था उसको सबसे पहले कैरी म्यूल्स ने 1983 में इन्वेंट किया था उस समय ये सीटेस कॉरपोरेशन के लिए काम करते थे बाद में इस मेथड को डेवलप किया और 1985 में कैरेमोलिस का फर्स्ट पब्लिकेशन रिगार्डिंग पीसीआर पब्लिश हुआ इसके अलावा 1986 में सबसे पहले टैग पॉलीमरेज को पीसीआर में आइसोलेट कर प्योरीफाई किया करके यूज़ किया गया था 1988 में परकिन एम्लर ने सबसे पहले ऑटोमेट्रिक थर्मोसाइकलर इंट्रोड्यूस किया था 1989 में जो टैग पॉलीमरेज था उसको मॉलिक्यूल ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था साइंस जर्नल के द्वारा तो ये हमारा कुछ हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ पी था इसके बाद हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ पी सी आर पी सी आर प्रिंसिपल को समझने से पहले इसके नाम को डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में पी सी एंड आर पी का मतलब है डीएनए पॉलीमरेज सी का मतलब है चेन और आर का मतलब है रिएक्शन यानी कि जो पी सी आर का मतलब है डी एन ए पॉलीमरेज का चेन रिएक्शन जो पी सी आर मैथर्ड्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं थर्मल साइक्लिंग पर यानी कि इसमें जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनको एक्सपोज किया जाता है रिपीटेड साइकिल्स ऑफ हीटिंग और कूलिंग से और जिसके द्वारा उसमें डिफरेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं ये कौन कौन से टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है डी एन ए मेल्टिंग प्राइमर अनिलिंग और पॉलीमरेज डिविन डी एन ए सिंथिस यहाँ पर जो पी सी आर है उसमें दो मेन रिएजेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं पहला है प्राइमर्स ये दो शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए फ्रेगमेंट्स होते हैं शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए फ्रेगमेंट्स हैं इसलिए इन्हें ऑनलीगुन न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो हमारा टारगेट डी एन ए रीजन है उसके एंड्स के ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो ये उसके थ्री प्राइम एंड्स के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इसको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो रिएजेंट यूज होता है वो है डीएनए एन पॉलीमरीज अब फर्स्ट स्टेप में पीसीआर के न्यूक्लिक एसिड डी होता है जहाँ पे डीएनए डबल हेलिक्स जो है वो हाई टेम्परेचर पे फिजिकली सेपरेट हो जाता है दो अलग अलग स्ट्रैंड्स में सेकेंड स्टेप जिसको कहते हैं प्राइमर एनिलिंग यहाँ पे जो डीनेचुरेशन का टेम्परेचर है उससे थोड़ा टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है और इस टेम्परेचर पे जो प्राइमर है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सी, सीक्वेंसेस के साथ बाइंड कर जाता है उसके एंड्स पे थर्ड स्टेप है डीएनए सिंथेसिस जहाँ पे जो दो स्ट्रैंड जो है वो डीएनए के जिनमें की प्राइमर बाउंड है वो टैंपलेट की तरह एक्ट करते हैं और हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो हमारा थ्री प्राइम एंड है उससे इलॉन्गेट कर देती है न्यू डीएनए स्ट्रैंड को यूजिंग डीएनए प्रिकर्सर्स जो कि होते हैं डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी जैसे जैसे पीसीआर का प्रोसेस ये साइकिल रिपीट 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 क्योंकि ये साइकिलिंग है तो ये साइकिल जैसे जैसे रिपीट होती है तो जो डी आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ दिस रिएक्शन डी नेचुरेशन और डी एन सिंथेसिस इन फर्स्ट राउंड के बाद जो हमारा डीएनए जनरेट होता है वो भी यूज़ हो जाता है टेम्पलेट की तरह नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में तो इस प्रकार एक चेन रिएक्शन बन जाती है जिसमें कि ओरिजिनल डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो एक्सपोनेंशियली एम्प्लीफाई हो जाता है यहाँ पे एम्प्लीफाई का मतलब क्या है जैसे कि हम किसी भी साउंड को बढ़ाने के लिए स्पीकर का यूज़ करते हैं जो कि साउंड को एम्प्लीफाई कर देता है यानी कई गुना बढ़ा देता है उसी प्रकार यहाँ पे हम जो ओरिजिनल डीएनए फ्रेगमेंट है वो एक्सपोनेंशियली एम्प्लीफाई हो जाता है यानी उसकी कई कॉपीज़ बन जाती हैं यानी दो से चार कॉपीज़ बनेंगी चार से आठ कॉपीज बनेंगी आठ से सोलह कॉपीज़ बनेंगी तो वो एक्सपोनेंशियली एम्प्लीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे एक चेन रिएक्शन सेटअप हो जाता है इसीलिए हम इसको कहते हैं चेन रिएक्शन और क्योंकि ये चेन रिएक्शन डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा हो रहा है तो उसका नाम है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंटेशन पे आते हैं यहाँ इसमें सबसे पहले एम क्या है इस पीसीआर प्रोसेस का एम है किसी स्पेसिफिक टारगेट डीएनए सीक्वेंस का सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन करना क्योंकि हम यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं एम्प्लीफिकेशन करना इसका मतलब ही ये है कि बहुत सारी डी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जनरेट करना और क्योंकि सलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन है टारगेट डीएनए सीक्वेंस का सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन क्यों है क्योंकि हम प्राइमर्स ऐड कर रहे हैं जो कि किसी एक पॉइंट से ही स्टार्ट होंगे और एक ही टारगेट सीक्वेंस पे ही एंड होंगे तो हम सेलेक्टिव प्राइमर्स यूज़ कर रहे हैं जिसके के कारण सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन हो रहा है स्पेसिफिक टारगेट डीएनए सीक्वेंस का और क्योंकि सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन हो रहा है इसका मतलब डीएनए की कई सारे फ्रेगमेंट बनेंगे जो कि आइडेंटिकल होंगे साइज में और सीक्वेंस में और ये प्रोसेस इन विट्रो बाय एंजाइम मेथड के द्वारा किया जाता है अब केमिकल कंपोनेंट्स जो पीसीआर में रिक्वायर्ड हैं सबसे पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके को की तरह एक्ट करता है और उसको स्टेबल करता है यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड का बहुत स्मॉल क्वान्टिटी ही ऐड किया जाता है पी सी रिएक्शंस में क्योंकि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो डीएनए को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है अगर हम लार्ज क्वांटिटी में मैग्नीशियम क्लोराइड को ऐड कर देंगे तो डीनेचुरेशन के स्टेप को वो इंटरफेयर करेगा नेक्स्ट है बफ़र बफर का पीएच 8.3 से 8.8 तक होता है इसमें हम कई कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं और बफर क्या करता है एक केमिकल एन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो कि सूटेबल होता है एंजाइम के लिए भी और डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए भी इसके बाद यूज होते हैं डी एन टी पीज जो कि डी टी ए टी पी डी जी टी, टी पी डी सी टी पी और डी टी, टी टी पी होते हैं इसके बाद है प्राइमर्स जो कि स्पेसिफिक होते हैं एंड्स टारगेट डी एन ए सिक्वेंस के एंड्स के लिए नेक्स्ट है डी एन ए पॉलीमरीज यहाँ पर डी एन ए पॉलीमरीज हीट स्टेबल ही यूज़ होती है इसको हम क्यों हीट स्टेबल डी एन ए पॉलीमरीज यूज़ करते हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट है स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ टारगेट डी एन ए यानी जो टी एन ए हमें एम्प्लीफाई करना है यानी जिसके बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है उसकी स्मॉल क्वान्टिटी उसको यूज़ किया जाता है नेक्स्ट है प्रोसीजर रिएक्शन साइकिल और कंडीशंस पीसीआर एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले वायल में टारगेट डीएनए सीक्वेंस टैग डीएनए पॉलीमरेज हीट स्टेबल टू ऑलिगोनोटाइड प्राइमर्स डी एन टी पीज मैग्नीशियम आयन इन सबको बफर के साथ मिक्स करके इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है पी सी आर मशीन में यानी थर्मल साइक्लर में थर्मल साइक्लर के फर्स्ट स्टेप में होता है डी नेचुरेशन यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होता है और जो जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनको नाइन्टी फोर डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है ह्यूमन जीनोमिक डी एन ए नाइन्टी थ्री से नाइन्टी फाइव डिग्री सेल्सियस पे डी नेचर हो जाता है इस हाई टेम्परेचर पे क्या होता है जो डीएनए में बेसिस हैं उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स जिसके द्वारा वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और जो डीएनए का डबल हेलिक्स है वो ब्रेक होने के कारण वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो अब हमारे पास डबल हेलिक्स जो डीएनए का था वो सिंगल्स डीएनए के दो स्ट्रैंड्स बन जाते हैं डीनेचुरेशन के स्टेप में नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर एनीलिंग का इस स्टेप में रिएक्शन मिक्सचर को कूल cool किया जाता है फिफ्टी से सिक्सटी डिग्री सेल्सियस के बीच में इस टेम्परेचर पे जो रिएक्शन मिक्सचर में ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स हैं वो हमारे टारगेट डीएनए सीक्वेंस की स्पेसिफिक साइट पे जाके बाइंड हो जाते हैं एनिलिंग टेम्परेचर को इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि टारगेट डीएनए सीक्वेंस के अलावा प्राइमर्स कहीं और जाके बाइंड ना हो यानी मिसमैच्ड हाइब्रिड्स ना बने एनिलिंग टेम्परेचर को किस प्रकार एडजस्ट किया जाता है इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे अब रिएक्शन साइकिल में नेक्स्ट जो है वो है डीएनए सिंथेसिस इस स्टेप में दोबारा से जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसको सेवेंटी फोर डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है ये टेम्परेचर जो है वो टैक डीएनए पॉलीमरेज का जो वर्किंग ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर है उससे जस्ट बिलो होता है इस टेम्परेचर पर टैग डी एन ए पॉलीमरेज प्राइमर्स के थ्री प्राइम एंड से डीएनए को एक्सटेंड करना स्टार्ट करती है यूजिंग डी एन यहाँ पे जो हमारा टारगेट डीएनए है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारे डी एन हैं उनको ऐड करता जाता है टैग डीएनए पॉलीमरेज अब फर्स्ट साइकिल ऑफ पी में क्या होता है जो हमारा फाइव प्राइम एंड है उस पर तो प्राइमर्स अटैच हो जाते हैं लेकिन क्योंकि हमारे थ्री प्राइम एंड की कोई लिमिट सेट नहीं है तो जो हमारा थ्री प्राइम एंड है वहाँ पे रैंडम एंड्स का फॉर्मेशन होता है और फर्स्ट साइकिल के बाद हमें लॉन्ग प्रोडक्ट्स मिलते हैं यानी कि जो हमें डीएनए डबल हेलिक्स मिलेगा उसमें एक तो टैम्पलेट डीएनए होगा और दूसरा लॉन्ग प्रोडक्ट होगा जो न्यूली सिंथिसाइज डीएनए का होगा अब नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा नेक्स्ट साइकिल में फिर डीनेचुरेशन और एनिलिंग का स्टेप होगा यहाँ पे जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज फर्स्ट साइकिल के बाद जो हमारा डीएनए बना है वो एज़ अ टैम्पलेट एक्ट करेगा या टारगेट डीएनए एक्ट करेगा इस केस में जो हमारा फर्स्ट डीएनए था इनिशियल टारगेट सीक्वेंस था एक तो वो एज़ अ टारगेट सीक्वेंस ऐड करेगा तो वहाँ पे प्राइमर वापस से फाइव प्राइम से थ्री प्राइम यहाँ पे थ्री प्राइम एंड पे अटैच होगा लेकिन जो इसके साथ जो डीएनए डबल हेलिक्स में जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है उसमें जो अब हमारा प्राइमर ऐड होगा तो वो थ्री प्राइम साइट पे भी लिमिट सेट कर देगा तो जब हमारी सेकेंड साइकिल के जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे उसमें हमारा एक प्रोडक्ट जो होगा वो तो हमारे उसमें तो लॉन्ग एंड भी होगा और शॉर्ट भी प्रोडक्ट होगा लेकिन एक प्रोडक्ट में हमें शॉर्ट प्रोडक्ट ही मिलेगा यानी कि दोनों लिमिट सेट हो जाएंगी बाय प्राइमर्स सेकेंड साइकिल के बाद लेकिन थर्ड साइकिल से क्या होगा हमारे सारे ही प्रोडक्ट्स शॉर्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे और जो शॉर्ट प्रोडक्ट्स हैं वो थर्ड साइकिल के बाद एकोमलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे वैसे तो सेकेंड साइकिल से ही हमारा शॉर्ट प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है लेकिन थर्ड साइकिल के बाद जो शॉर्ट प्रोडक्ट है जिसकी कि लिमिट सेट होती है बाय प्राइमर्स वो पीसीआर में एकोमलेट होना यानी ज़्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाते हैं इसके बाद जो सब्सिक्वेंट साइकिल्स होंगी आफ्टर थर्ड साइकिल वहाँ पे जो हमारा शॉर्ट प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोनेंशियल फैशन में एकोमुलेट होना शुरू होगा यानी कि वो प्रत्येक साइकिल के बाद डबल हो जाएगा जो हमारा पी रिएक्शन है वो तब स्टॉप हो जाता है जब या तो एंजाइम या कोई भी रिएक्शन का कंपोनेंट रिएक्शन मिक्सचर में कोई भी कंपोनेंट डिप्लीट या कम हो जाता है तो पीसीआर साइकिल स्टॉप हो जाती है और इस केस में जब पी स्टॉप होता है उसके बाद हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा एनालाइज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के अलावा हम इसको पीसीआर के प्रोडक्ट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद क्लोनिंग पीसीआर प्रोडक्ट्स की क्लोनिंग या फिर सीक्वेंसिंग करके भी एनालाइज कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा पीसीआर की रिएक्शन साइकिल पी के प्रत्येक साइकिल के बाद जो टैम्पलेट है वो डबल हो जाता है यानी कि एक्सपोनेंशियल फैशन में पी का प्रोडक्ट बनता है यानी कि जो सिंगल डीएनए अगर हमने सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यूज़ किया है इनिशियल प्रोडक्ट इनिशियल डीएनए के रूप में तो आफ्टर ट्वेंटी साइकिल्स हमें वन ड्रेज इंटू टेन ड्रेज टू दावर सिक्स मोलिक्यूल्स ऑफ डी मिलेंगे इसको हम इस प्रकार थियोरिटिकल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर एम एफ है फाइनल डी एन ए प्रोड्यूस एम आई है इनिशियल डी एन ए मोलिक्यूल और इन टू टू रेस टू पावर एन एन है नंबर ऑफ साइकल्स बट ये थ्योरेटिकल है एक्चुअल में क्या होता है जब हम पी सी आर रिएक्शन लगाते हैं तो वो कई फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे कि डी एन ए पॉलीमरियस की जो एक्टिविटी है वो ऑप्टिमल ना होकर सब ऑप्टिमल हो सकती है एनीलिंग के जो प्राइमर जो अनिल हुए हैं वो प्रॉपरली अनिल ना हो यानी कि पुअर प्राइमर एनिलिंग या फिर इनकम्प्लीट डी नेचरेशन ऑफ टेम्पलेट्स जो टेम्पलेट डी एन ए है वो कम्प्लीटली डी नेचर नहीं हुआ हो इस केस में हमें एफिशेंसी टर्म को भी इंक्लूड करना पड़ता है रिएक्शन साइकिल या पी सी आर प्रोडक्ट के एवेलुएशन में तो यहाँ पर हमारा जो पी सी आर फाइनल पी सी आर प्रोडक्ट होता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल इनपुट अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस परसेंटेज एफिशियंसी टू रेस्ट दावर साइकिल नंबर तो एक्चुअल अमाउंट जो पी का प्रोडक्ट का है वो कैलकुलेट किया जाता है बाय कंसीडरिंग एफिशिएंसी टर्म नेक्स्ट हम समझेंगे पीसीआर साइकिल का डायनेमिक्स uh, किस प्रकार होता है हम इसको रिएक्शन साइकिल में भी इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर को सबसे पहले रेज किया जाता है नाइन्टी फोर डिग्री सेल्सियस तक और ये प्रोसेस होता है डी का जो वन मिनट तक चलता है उसके बाद वापस से कूल डाउन cool किया जाता है जो कि फ़िफ्टी टू बिटवीन फिफ्टी टू सिक्सटी डिग्री सेल्सियस ये भी वन मिनट तक अनिलिंग का प्रोसेस होता है इसके बाद वापस से इसको टेम्परेचर को रेज़ किया जाता है अराउंड सेवेंटी फ़ोर डिग्री सेल्सियस तक और एक्सटेंशन का प्रोसेस चलता है इस प्रो सेवेंटी फ़ोर डिग्री सेल्सियस पे इसको टू मिनट्स के लिए रोका जाता है यहाँ पे एक्सटेंशन का प्रोसेस होता है और इसके बाद वापस इस तरह से हम इसकी पी की साइकिल चलती है डीनेचुरेशन के स्टेप में जैसा कि मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता है और टेम्पलेट की तरह यूज़ होता है नेक्स्ट जो हमने अभी डिस्कस किया था एनीलिंग टेम्परेचर एनीलिंग टेम्परेचर को कैसे एडजस्ट करते हैं एनीलिंग टेम्परेचर को जो है वो बेस होता है कि जो टैम्पलेट है और जो प्राइमर है यानी जो टारगेट सिक्वेंस है और जो प्राइमर है उसका जो हाइब्रिड बना है वो किस टेम्परेचर पे जा कर के परफेक्टली जो पेयर्ड हाइब्रिड है वो किस टेम्परेचर पे अलग होता है यानी मेल्ट होता है उसको हम कहते हैं टीएम यानी मेल्टिंग टेम्परेचर तो अगर जि, ये जिस भी टेम्परेचर पे ये दोनों परफेक्टली पेयर टाइम हाइब्रिड जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा उस टेम्परेचर से एक या दो डिग्री सेल्सियस अगर हम कम रखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा जो प्राइमर और टेम्परेड डीएनए का हाइब्रिड तो जुड़ जाएगा लेकिन अगर एक भी मिसमैच होगा सिंगल भी मिसमैच होगा तो प्राइमर और टेम्पलेट डीएनए का जो हमारा हाइब्रिड है वो आपस में नहीं जुड़ेगा तो हम टीएम को कैलकुलेट करते हैं और उससे एक या वन या टू डिग्री बिलो टेम्परेचर को हम एनिलिंग टेम्परेचर डिसाइड करते हैं यहाँ पे टीएम को कैलकुलेट भी किया जा सकता है इसका फॉर्मूला है फोर मल्टीप्लाइड बाई जी कंटेंट ऑफ़ द प्राइमर प्लस टू मल्टीप्लाइड एटी कंटेंट ऑफ द प्राइमर तो उस टेम्परेचर पे जो है उसको हम टी एम कैलकुलेट करते हैं और उससे वन या टू डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर एनीलिंग टेम्परेचर को कम रखते हैं यहाँ पे जी प्लस सी है नंबर ऑफ़ जी सी इन द प्राइमर और ए प्लस टी है नंबर ऑफ ए टी न्यूक्लियोटाइड इन द प्राइमर नेक्स्ट आता है हमारा पी सी आर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डी एन ए फ्रेगमेंट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उसका आइडियल साइज लेस देन वन के भी होता है लेकिन टेन के बी तक के डी एन ए फ्रेगमेंट को भी एम्प्लीफाई किया जा सकता है यूजिंग स्टैंडर्ड पी सी आर टेक्निक बट एफिशेंसी जो होगी एम्प्लीफिकेशन की वो कम हो जाती है फोर्टी के बी तक के भी फ्रेगमेंट को डी एन ए फ्रैगमेंट को एम्प्लीफाई किया जा सकता है यूजिंग पी सी आर बट उसके लिए स्पेशल मैथड्स रिक्वायर्ड होते हैं पी सी आर के सेलेक्टिव क्योंकि पी सी आर में सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन होता है तो डी एन ए जो हमारा टारगेट डी एन ए सिक्वेंस है उसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है ताकि प्राइमर्स को डिज़ाइन किया जा सके और प्राइमर्स क्या होते हैं जो हमारे टारगेट डीएनए है उसके एंड्स थ्री प्राइम एंड के सीक्वेंसेस प्राइमर जो होते हैं ये क्यों, अब नेक्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट प्राइमर अब प्राइमर जो होते हैं क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपने आप सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता डीएनए की तो हमें शॉर्ट डीएनए या आरएनए के सीक्वेंस रिक्वायर्ड होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये इनविट्रो प्रोसेस है तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्योंकि केवल थ्री प्राइम एंड से ही एक्सटेंड कर सकता है डीएनए को तो हमें दो शॉर्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है ये प्राइमर का जो लेंथ है वो बिटवीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है और ये जो है इनका जो सिक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए जो हमारे बॉर्डर सिक्वेंस हैं टारगेट डी एन के और ये जो प्राइमर है एक तो ये ये तो प्रोसे डी एन पॉलीमरीज की हेल्प तो करता है क्योंकि डी एन पॉलीमरीज सिर्फ एक्सटेंशन कर सकता है इसके अलावा ये टारगेट डी को डी भी करता है यानी कि इस लिमिट के आगे जो टारगेट डी है उस लिमिट के आगे हमारा टेम्पलेट डी जो है वो एम्पलीफाई नहीं होगा नेक्स्ट है हमारा प्राइमर लेंथ प्राइमर लेंथ जो है वो काफ़ी बड़ी मतलब टू शॉर्ट नहीं होनी चाहिए या टू लॉन्ग नहीं होनी चाहिए अगर वो टू शॉर्ट होगी तो क्या होगा वो नॉन टारगेट साइट से भी डीएनए एन ए ट्पलेट के नॉन टारगेट साइट से भी जाकर के बाइंड हो जाएगी और अनडिज़ायर्ड एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट देगी तो हमारा जो आ, प्राइमर है उसका साइज़ फिफ्टीन न्यूक्लियोटाइड से कम नहीं होना चाहिए इसके अलावा जो हमारे प्राइमर्स हैं वो बहुत लॉन्ग भी नहीं होने चाहिए क्योंकि फिर वो शॉर्ट अगर हमारे लॉन्ग प्राइमर्स होंगे तो वो स्लोअर रेट से हाइब्रिडाइज करेंगे जाके टेम्पलेट डीएनए से और जो हमारा पीसीआर है उसकी एफिशिएंसी को कम कर देंगे तो प्राइमर्स की लेंथ ट्वेंटी फाइव न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट है हमारा बेस कंपोजिशन बेस कंपोजिशन में जो प्राइमर है उसका जीसी कंटेंट जो है वो बिटवीन फोटी टू सिक्सटी परसेंट होना चाहिए जो कि जो बेसिस हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए और जो प्राइमर्स हैं वो डीएनए एन टारगेट डीएनए के इन्वर्टेड रिपीट्स पे नहीं होने चाहिए अगर इन्वर्टेड रिपीट पे होंगे तो प्राइमर आपस में सेल्फ़ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और ख़ुद ही आपस में बाइंड कर जाएंगे जो दो प्राइमर्स हैं उनके बीच का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो फाइव डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो प्राइमर टारगेट सिक्वेंस से भी जाके बाइंड करता है उसका जो एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट है उसका भी मेल्टिंग टेम्परेचर टेन डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दो प्रकार के प्राइमर्स यूज होते हैं फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर फॉरवर्ड प्राइमर्स वो होते हैं जो टारगेट डीएनए के एंटीसेंस सेंस से बाइंड करते हैं एंटी सेंस स्टैंक फाइव प्राइम से थ्री प्राइम एंटी सेंस स्टैंक थ्री प्राइम से स्टार्ट होके फाइव प्राइम पे एंड होता है दूसरा है हमारा रिवर्स प्राइमर जो कि टारगेट डीएनए के सेंस स्ट्रैंड से जाके बाइंड होते हैं और सेंस स्ट्रैंड डीएनए एन का जो वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो फाइव प्राइम से स्टार्ट होकर थ्री प्राइम पे एंड होता है ये ऑलरेडी हम डीएनए रेप्लिकेशन के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा दूसरा है हम डी जनरेट प्राइमर्स भी यूज़ करते हैं डी जनरेट प्राइमर्स बेसिकली मिक्सचर होते हैं प्राइमर्स के जिनका सिक्वेंस सिमिलर होता है बट उसमें एक या दो पोजिशन पर वेरिएशन होते हैं डी जनरेट प्राइमर्स कब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंप्लीट सीक्वेंस इनफॉर्मेशन नहीं होती है या फिर पार्शियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है जैसे कि जनरली ये प्रोटीन सीक्वेंस अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसको डी जेनरेट प्राइमर को यूज़ करते हैं क्योंकि प्रोटीन सीक्वेंस से फिर हम ट्रांसलेट बैक ट्रांसलेशन के द्वारा करस्पॉन्डिंग डी या सी डी का फॉर्मेशन होता है और हम सभी जानते हैं कि जो कोडॉन्स होते हैं वो डीज उनकी डी के कारण जो हमारा प्राइमर होगा उसमें जो थर्ड को डाउन होगा उसमें वेरिएशन होगा तो वहाँ उस केस में हम डीजनरेट प्राइमर्स का यूज़ करते हैं नेक्स्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पी की वो है डी एन डीएनए पॉलीमरेज जो पीसीआर में यूज़ होता है वो हीट स्टेबल होता है क्योंकि जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको डी नेचुरेशन अनिलिंग और डीएनए सिंथेसिस तीनों टेम्परेचर पे रहना होता है और डी नेचुरेशन का टेम्परेचर नाइन्टी फोर डिग्री सेल्सियस तक होता है तो इस टेम्परेचर को भी वो बियर कर सके ऐसा डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है पीसीआर रिएक्शन के लिए तो इसी लिए टैग डी एन ए या डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है पीसीआर में उसको हीट स्टेबल होना चाहिए और हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑप्टेन किए जाते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव करते हैं ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है थर्मस एक्वाटिकस ये थर्मस एक्वाटिकस से टैग डीएनए पॉलीमरेज को ऑप्टेन किया जाता है जो कि थर्मोस्टेबल है अप टू नाइन्टी फोर डिग्री सेल्सियस और इसका ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर है एट्टी डिग्री सेल्सियस टैग डी एन ए पॉलीमरेज जनरली पी सी आर रिएक्शन में यूज़ किया जाता है इसके अलावा पी एफ यू डी एन ए पॉलीमरेज जो कि पायरोस फ्यूरियोसिस से ऑप्टेन किया जाता है बी एस टी ई डी एन ए पॉलीमरेज बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस से ऑप्टेन किया जाता है टी टी एच डी एन ए पॉलीमरेज जो कि थर्मल थर्मोफिलस से ऑप्टेन किया जाता है ये भी हमारे पीसीआर रिएक्शंस में यूज़ किए जाते हैं डीएनए uh, पॉलीमरेज इसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर सबसे पहला एप्लीकेशन है डिजीज़ डायग्नोसिस जो हमारी इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज़ेस हैं जैसे कि हंटिंगटन डिजीज सिस्टिक फाइब्रोसिस थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया हेम्योफीलिया इन सबको ऐसे किया जा सकता है और जाता है यूजिंग पीसीआर सी ऐसे इसके अलावा नॉन इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज़ेस जैसे कि वो जीन एक्सप्रेशन जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन से रिलेटेड हैं उनको भी ऐसे किया जाता है रियल टाइम पी सी आर एस के द्वारा इन्फेक्शियस डिजीजेज जैसे टी बी एच वन वी वन हैपेटाइसिस बी एंड सी और आजकल हम सभी जान साइटोमेगैलो वायरस और आजकल हम सभी जानते हैं जैसे सार कोविड टू कोविड नाइन्टीन की टेस्टिंग के लिए भी पी सी आर मैथड का यूज़ किया जाता है इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में एम्प्लीफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोबियल डी एन ए के लिए जैसे कि कई सारे स्पेसिफिक सीक्वेंस प्राइमर के द्वारा किसी पर्टिकुलर माइक्रोब या ग्रुप ऑफ माइक्रोब को इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है और करेक्टराइज किया जा सकता है यूजिंग पीसीआर मेथड ये मेथड टाइम तो सेव करते हैं इसके साथ ही ये एक्यूरेसी को भी बढ़ा देते हैं क्योंकि अगर मैनुअली इसको किया जाएगा तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा उसमें ह्यूमन एरर्स के भी चांसेज़ होंगे पीसीआर का रोल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैं ऑलरेडी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ इसका लिंक भी आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके अलावा पीसीआर यूज़ होता है जीनो टाइपिंग में जहाँ पे कि जो हमारे एलील्स में जो सीक्वेंस का वेरिएशंस है उसको स्टडी किया जाता है यूजिंग पी इसके अलावा जीन एक्सप्रेशन की स्टडीज़ में भी पी को यूज़ किया जाता है इसके अलावा पीसीआर जीन क्लोनिंग के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में जहाँ पे जीन न्यू जीन्स को इंट्रोड्यूस करके आ, उसको एक्सप्रेशन को स्टडी किया जाता है वहाँ पे भी पीसीआर का रोल है इसके अलावा म्यूटाजेसिस स्टडीज़ यानी म्यूटेशंस के द्वारा इंड्यूस म्यूटेशंस को इंड्यूस करके जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट करके उनकी स्टडी करने में भी पी का रोल है इसके अलावा फूड पैथोजन डिटेक्शन प्लांट जीनो फॉर ब्रीडिंग और जीएमओ टेस्टिंग में भी एप्लीकेशन होता है पीसीआर का इसको हम ऑलरेडी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं आप आ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके अलावा डीएनए सीक्वेंसिंग होल जीनोम सिक्वेंसिंग में भी पी जो है प्रोडक्ट यूज़ करने से जो प्रोसेस है दैट वो सिम्प्लीफाई हो जाता है और रैपिड हो जाता है तो पी का डी एन में भी अब यूज़ होता है तो ये हमारे एप्लीकेशन थे पीसीआर के इसके बाद हम समझेंगे कि कौन कौन से वेरिएशंस पीसीआर मेथड्स में अवेलेबल हैं आज अब यूज़ होते हैं वो है नेस्टेड पीसीआर, एसिमेट्रिक पीसीआर, आरटी पीसीआर, हॉट स्टार्ट पीसीआर, क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर, टच डाउन पी इनवर्स पी सी पीसीआर रेस यानी रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ सी डी एन एंड आर ए पी डी रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमोर्फिक डी एन यानी एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पोलीमॉर्फिज्म ये सारे वेरिएशंस या मॉडिफिकेशन इन पीसीआर मेथड हैं और मॉडिफाई करके इनके डिफरेंट यूज़ेस के लिए इनको यूज़ किया जाता है ये सारे मैं अभी आ, आज के वीडियो में डिस्कस नहीं कर रही हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इन सब के आ, के लिए एक शॉर्ट वीडियो चाहिए सबके बारे में या फिर किसी एक पर्टिकुलर पी सी के लिए अगर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है पीसीआर का अगर कुछ क्वेश्चंस या क्वारीज हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन मेथड्स को नहीं लेके आर एडिटिंग के चैप्टर को लेंगे क्योंकि ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आर एडिटिंग के चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी लेसन्स बाय डॉक्टर शिफाली माथुर